सिरसा जिले में 12 से 14 साल के बच्चों का कोरोना रोधी टीकाकरण सुचारू रूप से जारी है। जिले के विभिन्न सरकारी स्कूलों में 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को कोरोना रोधी वैक्सीन लगाई जा रही है। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी ने बताया कि विभाग ने जिले में 40,000 बच्चों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा है और अब तक लगभग 4,000 बच्चों को टीका की खुराक लगाई जा चुकी है। सभी अभिभावकों से अपील की जा रही है कि वे बच्चों का टीकाकरण अवश्य करवाएं। उन्होंने कहा कि स्लम्स, बस्तियों व ईंट के भट्टों में भी पहुंचकर बच्चों को कोरोना रोधी वैक्सीन लगाई जाएगी। नई तरह की वैक्सीन है कॉर्बीवैक्स, पहली बार आई है इंडिया में और इन्हीं एज ग्रुप में जो 12-14 साल के बच्चे जो हैं उनको लगाई जाएगी। टारगेट उस हिसाब से देखें जो 2000 हमारे 8-9-10 के जो जन्म थे वो बनते हैं 40 से 42 हज़ार के बीच में, तो यही हमारा टारगेट है। हमारा पहला टारगेट होएगा स्कूल्स में जाके बच्चों को वैक्सीन लगाना, जहाँ पे बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, स्कूल्स पूरी तरह से ओपन हो चुके हैं, उसके हिसाब से ये वैक्सीन लगाई जाएंगी। गांव बेगू से सरकारी स्कूल के मुख्य अध्यापिका ने बताया कि यहां स्कूल में ही 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है। सभी बच्चे इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभिभावकों की अनुमति के बाद ही बच्चों का टीकाकरण किया जा रहा है। 14 साल के बच्चों के बीच में लगाई जा रही है और सभी बच्चे जो हैं इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और बिना पेरेंट्स की अनुमति के हम नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन के ये है कि सहमति होनी ज़रूरी है और बच्चे जो है खुद ही दौड़ दौड़ के आ रहे हैं कि हमें लगाई जाए, तो ये एक स्वैच्छिक है तो हम पूछ के ही बच्चों के लगा रहे हैं। वहीं वैक्सीन लगवाने के बाद छात्रों ने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सभी को वैक्सीन ज़रूर लगवानी चाहिए। पहले हमारे माँ बाप डरते थे कि हम कहीं बच्चों को भेजे ना, अब हम खुल के स्कूल आ सकते हैं और स्कूल में अच्छे से पढ़ाई भी कर सकते हैं। इंजेक्शन लगवाने से कोई डर नहीं होता, क्योंकि इंजेक्शन लगवाने से कोई डर नहीं होता, इसलिए हमें इंजेक्शन लगवाना चाहिए और खुल के स्कूल में आने की भी ज़रूरत होगी और हमारे घर वाले हमें स्कूल में आने से कुछ नहीं कहेंगे। टीके लगे यार, हमें भी इसी वही हमारे जैसे बड़ों के भी लगेंगे और हमारे मम्मी पापा कहीं जाने से रोकते थे, अब हम अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं जी।